फरीदाबाद में भोजपुरी अवधी समाज की सबसे बड़े छठ पर्व को लेकर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली आगरा नहर के पास के बाजार सजकर तैयार हो चुके हैं। भारी संख्या में महिलाएं छठ पर्व पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री की खरीदारी कर रही है। इस पर्व को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही है। वहीं समाज के लोगों का कहना है कि उनके पर्व पर हर वर्ष दो दिन पूर्व ही आगरा नहर का पानी रोक दिया जाता है और पर्व खत्म होने पर छोड़ दिया जाता है, जबकि सभी जानते हैं कि छठ पर्व पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही संपन्न होता है, जिसको लेकर अवधी समाज ने फरीदाबाद के नेताओं से नहर में पानी छुड़वाने की मांग की है। आज खरना है, आज पूरे दिन व्रत में रहेंगे बगैर पानी का। रात को गुड़ का खीर बनेगा, वो खाएंगे। और जैसे बांस का बर्तन होता है, नारियल शरीफा, मतलब ऋतु का जितना फल होता है नया फल, वो लेके छिटा में रख के और हम लोग अर्घ देते हैं। महापर्व है, हम लोगों का सबसे महापर्व है। तो बनना होता है, किस तरह की मनोकामनाएं मांगी जाती हैं? मनोकामनाएं जैसे कि धन, जिसकी जैसी जो मनोकामना है, वैसे सबसे मेन इसमें पुत्र के लिए माना जाता है। जिस स्त्री को पुत्र नहीं होता है उसको पुत्र होता है, और जिसका है वो भी आगे साल से इसको उठाती हैं और ये करती हैं। जी, व्रत किसके लिए रखा जाता है इसमें? बेटा के लिए, धन और सूर्य भगवान के लिए। जी, सूर्य को अर्घ देते हैं, वो किस तरह की प्रक्रिया होती है, कब दिया जाता है, किस तरह से रहते हैं? सुबह के टाइम गाय के दूध से सूर्य जब उदय होते हैं तब उनको दिया जाता है, और पहला शाम को और दूसरा सुबह। सरता जी छठ पर्व किस तरह से मनाती हैं? इसमें शाम के टाइम सूर्य भगवान को अस्त होते टाइम अर्घ दिया जाता है, सुबह के टाइम सूर्य उदय होने से पहले अर्घ दिया जाता है। जी, तो व्रत भी रखा जाता है इसमें? व्रत में रखा, दोनों टाइम व्रत में रहना पड़ता है, बिना पानी चल के पूरे दिन व्रत में रहते हैं, बिना पानी पूरा दिन, पूरी रात 24 घंटे के लिए व्रत होता है। अर्घ देने के बाद लोग किसके लिए व्रत रखते हैं? ये व्रत बेटे के लिए रखते हैं। तो किस तरह की खरीदारी होती है, क्या क्या खरीदा जाता है इस पर्व पे? इसमें जैसे बांस का बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, सारे ऋतु फल होते हैं। जी, तो सूर्य अर्घ कब दिया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी? सूर्य अर्घ से एक तो शाम का टाइम दिया जाता है सूर्य अस्त होने से पहले, एक सुबह के टाइम दिया जाता है सूर्योदय से पहले। 3 दिन पहले से ही साफ सफाई और सारा व्यवस्था करते हैं, और यहाँ लाखों के तादाद में लोग यहाँ पे छठ पूजा करने आते हैं। जी हाँ, बहुत भीड़ होती है, और यहाँ पे हम कल्चरल प्रोग्राम भी कराते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है भोजपुरी, हर साल इस बार भी करा रहे हैं सर। जी, तो यहाँ किस तरह की प्रक्रिया होती है, किस तरह से यहाँ लोग छठ पूजा करते हैं, कितने मठ बनाए गए हैं छठ पूजा? यहाँ बहुत सारे, मतलब लाखों लोग छठ पूजा करने आते हैं। जी जी हाँ, देखिए प्रक्रिया क्या होती है, मतलब प्रक्रिया? सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, और पानी में खड़े होकर के सूर्य की पूजा करते हैं। जी, तो आपकी समाज द्वारा, जो आपके अवधी समाज है, उनके द्वारा क्या क्या प्रोग्राम यहाँ आए? हमारे भोजपुरी अवधी समाज के द्वारा ही सारा काम हम ही करवाते हैं जी, भोजपुरी अवधी समाज ही कराती है हमारी, ये जो कि यहाँ साफ सफाई या प्रोग्राम या लाइट का व्यवस्था या टेंट का व्यवस्था सारा हमारा ही समाज कराता है जी, जो भोजपुरी अवधी समाज है जी। क्यों मनाया जाता है छठ पर्व को, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, ये तो हम बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं, और पूरी डिटेल हमें नहीं पता है, लेकिन सूर्य की पूजा की जाती है, और इसमें कुछ ऐसी शक्ति है सूर्य के अंदर जिससे लोगों की कुछ अच्छे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए लोग सूर्य की पूजा करते हैं। तो कितने दिन का पर्व होता है ये? 3 दिन का पर्व होता है जी। पहले तो नहा खा होता है, कल भी नहाए खाए होता है, उसके बाद जी आज खरना है, आज पूरे दिन व्रत रहेंगे, शाम को वो मीठी खीर और रोटी खाते हैं, और फिर कल पूरे दिन व्रत रहेंगे 24 घंटे बगैर पानी, होने बिना पानी का निराजल, और कल शाम को अर्घ देंगे डूबते हुए सूरज को, और परसों सुबह देंगे उगते हुए सूरज को। छठ पर्व पे जो पूजा होती है, मतलब पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है, तो पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था बहुत है नहीं, पानी का हर साल सर प्रॉब्लम होता है, अब 2 दिन पहले से ही बंद कर देते हैं पानी, अब आज ही देख लो सर, आज पानी ही नहीं है, और पानी के लिए हम सारे नेता मंत्रियों के पास जा करके रिक्वेस्ट तो कर चुके हैं, अब देखें क्या हो रहा है। कौन सी नहर है जहाँ? ये आगरा कैनाल है जी। आगरा कैनाल में पानी 2 दिन पहले रोक दिया गया है? हाँ हाँ, 3-4 दिन हो गए जी। क्यों रोका जाता है कुछ पता है? अब पता नहीं जी, इसके बारे में हमें नहीं पता है। छठ पर्व से पहले हर साल रोका जाता है जी, अगर इसमें और छठ पर्व के दूसरे दिन ही पानी आना शुरू हो जाता है। इस बारे में आपने यहाँ के जो मंत्री नेता है सबको बता दिया है जी, क्या कहते हैं? हाँ हाँ, आ जाएगा अभी तक।